नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन संस्थान परीक्षा प्लस में। अभी एक बहुत जरूरी सूचना आप सभी देवियों के लिए है, वो है कि आप सभी के मेंस एग्जाम के लिए मुख्य सेविका का जो परीक्षा है उसके लिए एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की लिंक आ गई है। हालांकि एडमिट के कार्ड जो है डाउनलोड तब होगा जब आप क्या करोगे, जब आप फीस सबमिट करोगे। तो अभी जो लिंक आई है वो किसकी आई है, मेंस एग्जाम के फीस सबमिट करने की आई है, और इसके बाद आप एग्जामिनेशन के लिए एडमिट कार्ड भी डाउनलोड कर पाओगे। डाउनलोड करने की लिंक आपके एग्जामिनेशन के कुछ दिन पहले आ जाएगी। ये आप देखिए यहाँ पे एक आपको करना क्या है, सबसे पहले मैं आपको नोटिस दिखा देता हूं कि नोटिस में क्या दिया हुआ है, और नोटिस के बाद आप यहां पे कैसे मेंस का फॉर्म भर सकते हो इस चीज को हम लोग यहां पे देखेंगे। यहां पे आप देखोगे तो इसमें लिखा हुआ जो नोटिस अभी आई हुई है 8 सितंबर 2023 की, इसमें 45,857 बच्चे जो शॉर्टलिस्ट हुए थे उनमें से 939 बच्चे, जो मैं बोला था ना मेल और फीमेल वाला गलत कर दिए थे, उसमें से केवल 4 बच्चे ही क्या किए हैं वहां पे मौजूद हुए हैं। मतलब कि 939 में 4 बच्चे बोर्ड गए थे, बाकी सारे बच्चे क्या हो गए, बाहर हो गए हैं। तो आप 45,857 में से 900 एग्जैक्ट 935 बच्चों को माइनस कर सकते हो, तो लगभग आपके पास कितने बच रहे हैं, 44,900 बच्चे बच रहे हैं जो मुख्य सेविका की परीक्षा, मुख्य परीक्षा देंगे। इन्होंने बोला है कि प्रश्नगत विज्ञापन के अंतर्गत मुख्य परीक्षा, या पढ़ सकते हो कि मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्टलिस्ट किए गए समस्त अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु अनारक्षित व अन्य पिछड़ा वर्ग, मतलब कि जो जनरल कैटेगरी के हैं, जो ओबीसी कैटेगरी के हैं, उनको बच्चों ₹200 देना है, और जो एससी कैटेगरी के हैं या एसटी कैटेगरी के हैं उनको ₹80 जमा करना होगा। ये ₹200 और ₹80 जब आप फीस जमा कर लोगे तब आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाओगे। इन्होंने वही लिखा है कि मुख्य परीक्षा हेतु निर्धारित शुल्क जमा करने के उपरांत ही अभ्यर्थी अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकेंगे। प्रवेश पत्र जारी करने के संबंध में अभ्यर्थियों को पृथक से वेबसाइट के माध्यम से सूचित किया जाएगा कि कब उन्हें डाउनलोड करना है। लेकिन आज आपको मेन एग्जामिनेशन फी डिपॉजिशन करना है। कैसे करना है, आप क्या करोगे, आप अपना गूगल क्रोम खोलोगे, गूगल में अपने ब्राउजर में जाके आप सर्च करोगे UP SSC.government.in, UP SSC.gov.in आप सर्च करोगे, आपका ये UP SSC की वेबसाइट खुल के आएगी। आप अपने फोन के माध्यम से भी खोल सकते हो, इसमें कोई इतनी बहुत बड़ी बात नहीं है कि कैसे हम सबमिट करें, या घर में कोई भी आपके जानकार होंगे उन्हें अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो उनसे करवा लेंगे। आपको वेबसाइट खोलना है UP SSC.gov.in। आप यहाँ पे आओगे तो होम पेज यहाँ पे दिख रहा होगा, होम पेज पे जब आप क्लिक करोगे तो ये एप्लीकेशन सेगमेंट वाले, एप्लीकेशन सेगमेंट में आपको मेन एग्जामिनेशन फी डिपोजिशन दिख रहा होगा। इस पे आपको क्या करना है, इसी पे आपको क्लिक करना है, मेन एग्जामिनेशन फी डिपोजिशन, ठीक है। इसे मैं थोड़ा सा ब्राइटनेस कम कर दे रहा हूँ ताकि आपको ये अच्छे से क्लियर से दिखे। तो आपको दिख रहा है मेन एग्जामिनेशन फी डिपोजिशन एप्लीकेशन सेगमेंट वाले में है। यहाँ पे आप जब क्लिक करोगे तो क्लिक करने के बाद आपका ये पेज खुलेगा जहां पे आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर था मुख्य सेविका के लिए, वो आपको डालना है, आपका डेट ऑफ बर्थ डालना है, आपका जेंडर क्या है, तो जेंडर यहाँ पे फीमेल ही होगा, मेल का कैटेगरी दे दिए बट मेल वाले भैया यहाँ पर डालना मत, कोई मतलब नहीं रहेगा, ठीक है। उसके बाद ये क्योंकि एक जनरल पोर्टल है सभी के लिए होता है इसलिए मेल फीमेल है, यहाँ पे केवल फीमेल ही रहेंगी। उसके बाद डोमिसाइल ऑफ यूपी, यस नो, अगर यूपी के हो तो यस, नहीं हो तो नो कर देना। और जैसे आप डोमिसाइल आप यूपी कर दोगे आपका कैटेगरी पूछेगा किस कैटेगरी के हो, जिस जनरल एससी एसटी ओबीसी जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो वो आप कर देना। और यहाँ पे एक वेरिफिकेशन कोड आएगा आपके फोन में, ये अलग हो सकता है जब जब आप पेज रिफ्रेश करते हो तो अलग होता है, जैसे बार बार ये बदलता रहता है जैसे जैसे आप पेज ओपन करते हो। इतना डेटा भरने के बाद आप क्लिक हेयर टू प्रोसीड कर दोगे, और जैसे क्लिक हेयर टू प्रोसीड कर दोगे एक डायलॉग बॉक्स ओपन होकर आएगा कि आपका इस रजिस्ट्रेशन नंबर से मुख्य सेविका का फॉर्म है, यहाँ पे आप फॉर्म भरिए, सबमिट फी का ऑप्शन आएगा उस पर जब आप क्लिक कर देंगे तो अगर आप जनरल या ओबीसी कैटेगरी के ₹200 मांगेगा, अगर आप एससी या एसटी कैटेगरी को तो ₹80 मांगेगा, वो आप सबमिट कर दोगे। कई सारे तरीके होते हैं, नेट बैंकिंग होता है, यूपीआई होता है, क्यूआर कोड होता है, सारे माध्यम अब ये लोग प्रयोग करते हैं, उससे आप क्या कर दोगे, ऑनलाइन ही पैसा जमा होगा, और ऑनलाइन पैसा जमा हो जाएगा तो आपका बोल देगा कि हाँ अब आपका पैसा सक्सेसफुली सबमिट हो गया है, फिर आपको एकदम आराम से बैठ जाना है, कोई दिक्कत नहीं है। किसी जानकार को अगर आपको नहीं समझ में तो जानकार को दिखा लेना कि पता लगे आपका ट्रांजेक्शन फेल हो गया हो और आप समझो कि हमने फीस भर दिया है और आपका एडमिट कार्ड ना है।
ध्यान दीजिएगा, एडमिट कार्ड अगर मेंस की फीस नहीं भरोगे तो एडमिट कार्ड जारी नहीं होगा, सारी तैयारी बर्बाद हो जाएगी। तो ये गलती ना करिएगा, इस बात को समझते हुए चलिएगा। बाकी आपकी तैयारी उम्मीद है बहुत बेहतर चल रही होगी। चैनल पे अगर नए हो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, और इसके बाद भी कोई डाउट हो तो आप हमसे अपने कमेंट बॉक्स से इसमें अपने डाउट को डाल सकते हैं, उसका रिप्लाई दे दिया जाएगा। फिर मिलते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, बहुत बहुत आभार।